वहां पे जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली आ गए बाहर मंदिर से, मतलब 10 किलोमीटर इधर आ गए, ठीक है। अभी पहुंच रहे हैं सीकर। सीकर अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम जाएंगे कौन से मंदिर प्रभु? जीण माता के मंदिर जाएंगे, हर्षवर वो पहाड़ी पे जाएंगे और वहाँ पे जाके देखते हैं। तकरीबन यहाँ से मैं सीकर के बाइक पास है कितना, 30-35 मिनट लगेगा। अगर दिन रहेगा तो ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। तूने देखा क्या कितना किलोमीटर बता रहा है? उसको मैं दिखा नहीं रहा है, बट हम सीधे बाइक पास चलते हैं, देन उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो वहाँ पे चलते हैं, अदरवाइज हम सीधे गाँव की तरफ निकलेंगे। चलो ठीक है, गाँव की तरफ। क्या करूं प्रभु, चलते हैं फिर। 20 किलोमीटर बता रहे हैं, 20 किलोमीटर बता रहे हैं जैन माता के, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड 5 बज गए हुए ना, 5 से 5 गए जी, अब टू डेट 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे से लगातार बाइक पे एंड ना अभी जैन माता के जा रहे हैं, मतलब 20 किलोमीटर बता रहे हैं। तकरीबन 20 किलोमीटर तो 15 आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटे में देखते हैं पहुँच गए जैन माता के। और जैन माता दोनों के लिए जाएंगे, चलते हैं जैन माता जी के मंदिर के लिए निकल गए। और वो सामने जो दिख रहे हैं ना, वो किले पे आए मंदिर, फोकस करके देख लेते हैं वहाँ पे, वो ऊपर ऊपर वो दिख रहा है ना, वो है जैन माता का मंदिर। आइए फिर निकलिए, मतलब आज की जो बेस्ट लोकेशन है ना, प्रीमियम लोकेशन वो आ रही है ये, बहुत बेस्ट है यार। कितना शानदार दिख रहा है ना, पहाड़ी पहाड़ी दिख रही है पूरी की पूरी, टोटल पहाड़ी देखो। इस साइड सनलाइट ज़्यादा है। चल दिए जैन माता जी के मंदिर, कितना दूर है? बस सामने ही है 100 मीटर भाई। आगे जैन माता जी के मंदिर या तो फिर काफी दिन से था अरदास की, चलते हैं माता जी के मंदिर। तो आगे माता जी के मंदिर भी आज सारी जगह घूम लेंगे भाई, आज सारी जगह घूम लेंगे है ना प्रभु? तो प्रभु हम वैसे तो प्रभु हमारे साथ ही है ना, साथ ही है बोले तो, वैसे तो प्रभु हमारे साथ ही है, घूमने की क्या जरूरत है ना। हाँ हाँ, प्रभु तो हमारे साथ ही घूमते हैं है ना। यस ब्रो, यस हाँ प्रभु। कहाँ कहाँ घूम लिया आज? आज साला सर बाजार जी, खाटू श्याम एंड लास्ट में जैन माता का मंदिर है ना वहाँ पे। अभी 6 बज गए, अभी हम जाएंगे घर पे। अभी हम जाएंगे घर पे। घर से कितना किलोमीटर दूर है? तो तकरीबन 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं है ना, 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं घर से। डब्बी सीधा यहाँ से जैन माता जी के दर्शन कर लिए, देन उसके बाद सीधे निकलेंगे घर के लिए। कहने का मतलब है आज हम लोग, कहने का मतलब है आज 700-800 किलोमीटर तकरीबन एक दिन में इतना घुमा दिया, तय कर लिया, घूम लिया आराम से भाई। चल दिए अंदर। ये आज ये क्या पहन के आए प्रभु तू आज? ये कपड़े और क्या है यार, मेरे को पता था तू ऐसा ही बोलेगा, नीच आदमी। पैंट देखो इसके, उसको शर्म आनी चाहिए भाई, ये भले मानस के साथ में रहता है और ऐसे करता है ये जी। आगे जी माता जी के यहाँ भी कोई नहीं रोकता भाई, कैमरा कैमरा वो देखो, मंदिर परिसर के अंदर फोटो लेना सख्त मना है। वीडियो बना रहे हम तो फोटो कहाँ ले रहे हैं, क्या बात है? फोटो लेना मना भाई, वीडियो बनाना तो मना नहीं है। यहाँ पे भी भीड़ है यार, यहाँ पे भी बहुत है। ये कौन से जैन माता जी? ये जैन माता की तो भाई भाई हम आगे जैन माता जी के मंदिर, अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और करीब हम आ चुके हैं जैन माता के मंदिर। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम सीधे चले जाएंगे सिक्कर की ओर। सिक्कर से बाहर निकले हैं, सिक्कर से कितना है गाँव? फिर से सुजानगढ़ से पिताशर से हम चले जाएंगे डोंगरगढ़। ये देखो फाइनल भाई, देख लो माता जी, जैन माता जी दर्शन कर लो। गाइस काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, तकरीबन 8-9 बज गए ठीक है। तो ये है भाई नाइट व्यू, रात का व्यू, हमारी बर्लिन और हम
अभी गाइस वापस आ चुका हूँ, छापर आ चुका हूँ खाटू से, खाटू से छापर आ गए। एंड मैं रात का शूट कर रहा हूँ भाई, रात का काफ़ी ज़्यादा थक गया है यार, आज बहुत ही ज़्यादा थक गया यार। पर नाइट में है ना चलने का मज़ा ही अलग है यार। देखो ये छापर की गलियों में ना, गलियों में गाड़ी भगाने का मज़ा ही अलग है। रात हो गई और रात में है ना, रात में भगाने का मजा आया। देखो इसका सीन ही अलग है भाई। रात में चल रहे हैं बट ऐसा लग रहा है कि बहुत बेस्ट भाई, बहुत बेस्ट लग रहा है। अभी भी तकरीबन गांव पड़ रहा है भाई, जब ये रात को भगती है ना तो वो देखो कैसा सीन रहता है, सेट होता है।